गुड मॉर्निंग गाइस, मैं योगेश धर्मीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएलसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का रहेगा गाइस। तो हम सीधे टॉपिक पर डिटेल करते हैं और मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक का शॉर्ट वीडियो डाला था, आई थिंक आपने उसको देख लिया होगा। तो हम डिटेल कर रहे हैं आज गाइस इस टॉपिक का। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरएससीआईटी की यूनिट में, और हमारे इसमें एक लास्ट टॉपिक और बच जाएगा गाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम उसको भी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यूनिट फर्स्ट जो है आरएससीआईटी की फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के टाइप्स को डिवाइड किया गया है थ्री कैटेगरी में, जिसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड कैटेगरी आती है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड कैटेगरी में हाइब्रिड कंप्यूटर को रखा गया है गाइस। तो सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर का जो यूज है ना गाइस, वो देखो विज्ञान और चिकित्सा यानी कि साइंस और मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज कहां पर जाता है, तो इसका यूज जो है इसको मैंने देखो एग्जांपल में भी आपको रिटर्न किया है। इसका जो यूज है साइंस में अगर मैं बात करूं तो द्रव एवं ताप को मापने में तथा विद्युत क्षमता को मापने में इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ थर्मामीटर में, स्पीडोमीटर में, एनालॉग क्लॉक में, वोल्टमीटर में इस एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो डाटा को बाइनरी यानी कि जो 0-1 पर डिपेंड करती है, बाइनरी लैंग्वेज 0-1। डिजिटल कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डाटा को बाइनरी के रूप में वर्क करता है, बाइनरी के रूप में यूज करता है डिजिट को। डिजिटल कंप्यूटर को वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी है, डिजिटल कंप्यूटर को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ही जो कैटेगरी आती है डिजिटल कंप्यूटर की वो आती है सुपर कंप्यूटर, सेकेंड आ जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नेक्स्ट आ जाता है आपका मिनी कंप्यूटर, और फोर्थ आ जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो इन 4 कैटेगरी में डिजिटल कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिसे हम डिटेल से इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे यहां आता है सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का टॉपिक आता है। सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो वर्तमान का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इसका यूज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में तथा भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, एक तो ये वाला यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसका यूज जो है मेन कहाँ किया जाता है, इसका यूज वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्चिंग है वहां पर इसका यूज होता है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसे सीडीसी 6600 के नाम से जाना जाता है। सीडीसी 6600 के नाम से ये क्वेश्चन कई बार गाइस आपके आरसीआईटी में आ चुका है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था तथा वर्तमान में परम सिद्धि के नाम से इस कंप्यूटर को जाना जाता है, यानी कि वर्तमान का लेटेस्ट जो कंप्यूटर है आपका वो आपका परम सिद्धि है। परम जिसका पूरा नाम हम पैरेलल मशीन के नाम से जानते हैं, और इस परम कंप्यूटर का जो आविष्कार है या परम कंप्यूटर को जो बनाया है वो सीडेक, जिसे हम सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे सीडेक पुणे के द्वारा इसको बनाया गया है। तो सुपर कंप्यूटर एक फास्टेस्ट कंप्यूटर है देन अदर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर बड़े बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है। साथ ही साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना वो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका एग्जांपल गाइस, इसका एग्जांपल कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसका देखो फुजित्सु के तथा हिताची Z800, ये इसके दो एग्जाम्पल मेन फ्रेम कंप्यूटर के आपको याद रखने हैं। ये दोनों एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बना के रखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है इन पर, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम होता है, कम पावरफुल होता है, या कम
नेक्स्ट हो जाता है हमारा मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तथा अधिक पावरफुल तथा मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है। मिनी कंप्यूटर, यह कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पर आधारित कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे बंदे इस पर आसानी से इजीली वर्क कर सकते हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग वर्क होता है। इस कंप्यूटर का जो यूज है वो डाटा को मैनेज करना, बिलिंग करना, अकाउंट करना, अकाउंटिंग का जो वर्क होता है उसके लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके भी एग्जाम्पल गाइस मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपका है ये इस कंप्यूटर का, वो K202। नेक्स्ट जाता है TI-990, जिसे हम पूरे नाम से टेक्सस इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। टेक्सस इंस्ट्रूमेंट इसका पूरा नाम होता है, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट 1990। नेक्स्ट SDS-92, यानी SDS-92 इसका थर्ड एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये हमारा मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जैसा कि यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं, यानी कि जो छोटे होते हैं, उन दोनों तीनों कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो और इसे सबसे ज्यादा साधारण यूजर भी इजीली यूज कर सकता है, साधारण यूजर के द्वारा भी इसे इजीली यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर में मदरबोर्ड का यूज किया जाता है, जिसमें सभी डिवाइस और सर्किट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। यानी कि जो मदरबोर्ड है इसमें जो कंप्यूटर है उसमें एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पे अनेक प्रकार के चिप सर्किट आपको पोर्ट के रूप में मिलते हैं, सर्किट के रूप में मिलते हैं। उनसे हर चीज, हर पैरेलल जो आपकी पेरिफेरल जो डिवाइस होती हैं वो कनेक्ट रहती हैं। ये चीज इसको कंप्लीट करता है इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर 1970 के समय आया था, यानी 1970 के समय आया था। और इंटेल ने इसको सबसे पहले, आप मान सकते हैं इंटेल कंपनी, जो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद इंटेल 8008 और इंटेल 8080 आया था, ठीक है ना। तो ये आपको एक जनरली याद रख सकते हो आप इसको, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके RSCIT के उस रिलेटेड नहीं बनता है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बने अभी तो, लेकिन हाँ फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पहला माइक्रो जो कंप्यूटर था वो माइक्रल था। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, हम माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल को अगर देखें तो माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, PDA डिवाइस, नोटबुक, गेमिंग कंसोल और कैलकुलेटर जैसी सारी डिवाइस आपकी माइक्रो कंप्यूटर में काउंट होती है। ये सारी डिवाइस आपके माइक्रो कंप्यूटर में काउंट होती है। PDA जिसका कई बार नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि तीसरा जो कंप्यूटर है, सबसे पहला हमारा एनालॉग, दूसरा डिजिटल, जिसमें हमने 4 कैटेगरी में उनको पढ़ा था। अब आ जाता है हमारा तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर गाइस वह कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इन दोनों कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया कंप्यूटर हाइब्रिड कहलाता है। इस कंप्यूटर का यूज भी साइंस और मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर रिटर्न किए हैं। जैसे आपको ECG मशीन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, पेट्रोल पंप पर लगी हुई जो मशीन होती है उनमें भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का ही सपोर्ट होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो, जिन्हें हम सोनोग्राफी मशीन के नाम से जानते हैं, उनमें भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का ही कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर से ही, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उसमें इनबिल्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर ही। रिसर्च एंड प्रोडक्शन में भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ही यूज होता है। तो गाइस हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पर आज इस लेक्चर में स्टडी किया, और आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत काम भी आएगी। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपने कर दिया है तो आप अलग डिवाइस से भी इसको आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर आपको बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट फर्दर जो वीडियो होगा वो होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो आपको अलग हम डिस्कस करेंगे इसको, और वो जल्दी आपको मैं उस वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच गाइज़।